हिंदू युवा वाहिनी लगातार सिवान के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का काम कर रही है। साथ ही साथ संगठन के विस्तार के लिए भी लगातार सभी सदस्य कार्य में लगे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार 14 जून को हिंदू युवा वाहिनी की टीम सिवान के चैनपुर और सिसवन में पहुंची हुई थी। सबसे पहले हिंदू वाहिनी की टीम चैनपुर स्थित एक बीजेपी नेता के घर पहुंची, जहां पर हिंदू वाहिनी के सिवान जिलाध्यक्ष संतोष सिंह का जोरदार स्वागत हुआ और सभी सदस्यों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। वहीं इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के सिवान जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू युवा वाहिनी का मकसद है कि भारत में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहें। उन्होंने कहा कि भारत की संपत्ति हम सबकी संपत्ति है और हम किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर विरोध नहीं जता सकते हैं। किसी भी मामले का हल कानून करती है, इसलिए कानून का सहारा ले, न कि खुद से किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। हिंदू युवा वाहिनी का लक्ष्य है कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाए। वही इस मौके पर हिंदू वाहिनी के सिवान जिला सचिव सौरभ राठौर ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के नाम से मिलते जुलते नाम से सिवान में और भी लोग संस्था चला रहे हैं, लेकिन ऐसी संस्था से हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सिवान के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इससे संस्था का लेना देना नहीं है। वह इस कार्यक्रम के दौरान सिसवन स्थित महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा पर संतोष सिंह ने माला अर्पित किया और फिर लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। और हिंदू युवा वाहिनी जो ये संगठन है, इसके मुख्य संरक्षक और अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी हैं। और किसी संगठन से योगी आदित्य जी का कोई लेना देना नहीं है। याद रखें, हिंदू युवा वाहिनी कोई भी संगठन, आजकल बहुत ऐसे संगठन है जो चल रहे हैं जो हिंदू युवा वाहिनी से मिला जुला हुआ नाम रख रहे हैं। नाम रखने से नहीं होगा, जिसके महाराज जी हैं उसी के ही रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, उसके एक ही अभी तक अध्यक्ष रहे हैं, जहाँ फोटो वो लोग लगाते हैं अशोक सिंघल जी का। उसके प्रचारक हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी रहे हैं बहुत बार, लेकिन योगी जी का उस पर तस्वीर नहीं लगेगा, सिर्फ अशोक सिंघल का ही और मुरली मनोहर जोशी, इन्हीं लोग का दो तस्वीर विश्व हिंदू परिषद में आज तक लगता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि योगी जी हमारे आइडियल हैं, ये हैं। तो अगर योगी जी उनके आइडियल हैं, अगर योगी जी को अपना वो प्रिय मानते हैं, मुख्य मानते हैं, तो हिंदू युवा वाहिनी में रहते ना वो, कि अपना कोई संगठन बनाते राजनीतिक पुरातत्व के फायदा के लिए। ऐसा नहीं होगा, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं करें, लेकिन लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। हिंदू युवा वाहिनी संगठन सिवान में एक है, जिसका अध्यक्ष संतोष सिंह हैं जिला के, और कोई योगी आदित्यनाथ जी का संगठन नहीं है सिवान में। ना ही कोई योगी जी से वास्ता है, ना ही योगी जी उनके प्रचारक हैं, ना ही योगी जी उनके किसी भी तरह से कोई रिश्ता नहीं है। जय श्री राम। सुरेश कुमार सिंह, अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी सिवान बिहार। आप लोगों को बताया पहले भी, उसको तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी इसमें गलतफहमी लोग पाल रहे हैं या गलतफहमी का वायरल कर रहे हैं, उसको आप अपने स्तर से बताएं और उन लोगों को प्रेरित करें कि सही जो है वही समझें। पालतू बनकर किसी के साथ रहने से कोई फायदा है नहीं। हिंदू युवा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है हिंदुत्व की रक्षा, पहला, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। हमला कहाँ किया जाता है? दुश्मन के देश में किया जाता है, लेकिन ये भारत हम लोगों का देश है, इसलिए किसी का भी निजी संपत्ति या सरकार का संपत्ति को बर्बाद करने का, नष्ट करने का अधिकार हमको नहीं है, पहला चीज। दूसरा, कि जैसे अभी कोविड-19 है, कोरोना महामारी से पूरा विश्व ही लड़ रहा है, हम लोग भी उसमें एक है, तो हम लोग इस समय में हर एक आदमी को ये सोचना है कि अगल बगल में जितने भी घर हैं, अगर वो गरीब हैं, उनके पास खाना नहीं है, कुछ चीज़ का कमी है, उसको पहुंचाएं। भले ही हम दो रोटी कम खाएंगे उस दिन, लेकिन दो रोटी अपने जो थाली का उनको ज़रूर दें, किसी आदमी को भूखा नहीं सोने दें। ये शास्त्र में भी कहा गया है और ये आपका दायित्व भी बनता है एक इंसान की तरह कि हमें ये करना चाहिए। और संगठन जो होता है वो हमेशा रोड पे नहीं होता है। संगठन मुसीबत के वक्त, देश हो, राज्य हो, जिला हो, प्रखंड हो या फिर एक गांव हो,
वहीं पे संगठन को आगे आके सहायता करना चाहिए। ये नहीं कि अभी कुछ विवाद हुआ सोए थे, अब विवाद हुआ उठे ताला तुली तोड़ तार दिए और अपने आप को बता रहे हैं हम बहुत बड़ा संगठन करते हैं। वो तो फ्री में मिलता है, जाइए हथौड़ा उठाइए तोड़ दीजिए, 10 आदमी का पेट भरिए तब ना पता चलेगा। इसलिए हम लोगों को एकदम समझ लीजिए कि ना जाति और ना धर्म, हम लोग किसी कीमत पर किसी भी दूसरे जाति को नहीं संबोधित करना है, ना अनाप शनाप बोलना है। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पुलिस से बोलिए, हमसे बोलिए, जिला पे हैं डीएम से बोला जाएगा, कार्रवाई होगा। लेकिन ये नहीं करना है कि कोई गलती किया तो उसका हम सर फोड़ दें, नहीं, आपको अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ छोड़ाने का अधिकार है, उस किसी के पक्ष में जाकर किसी के सर फोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन कोई भी विरोध शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, हम यही कहेंगे। और पांचवा बात है कि हिंदुत्व को जगाइए। जगाने के लिए ये नहीं कि भाई तुम सड़क पे आओ, समझाइए उसको कि भारत और नेपाल मान के चलिए मॉरिशस, यही 3 गो हिंदू कंट्री बच गया है। 28 हिंदू कंट्री में मात्र 3 गो हो गया और 56 कंट्री इस्लाम का हो गया, कैसे हो गया? ऐसे तो श्रीलंका भी है लेकिन वो लोगों ने अभी मान लिया है कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। श्रीलंका के लोग वहाँ पे मान लिए कि हम क्रिश्चियन हैं, तो खैर उसी अति नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र को बचाइए जो कि जहाँ से हिंदुत्व का पहचान है, भगवान हो चाहे जो भी, वो इसी राष्ट्र से है, इसी जगह से है, इसी भारत से है। कोई भी चीज़ को म्यूजियम में क्यों रखा जाता है? म्यूजियम में इसलिए रखा जाता है कि वो अनोखा है, इसके जैसा दूसरा पीस नहीं है कहीं पे, ऐसे नहीं रखा जाता है। उसी तरह भारत पूरे विश्व में, चाहे एशिया हो, यूरोप हो या फिर अफ्रीकन कंट्री हो, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का ये एक म्यूजियम है पूरा भारत। और एक अपना पहचान, अपना एक नस्ल रखना है, ठीक। और हमें चीज़ है कि हमेशा किसी चीज़ को आप लोग देखते हैं कि फेसबुक पे देखते हैं, नहीं, आप सर्च कीजिए, देखिए आपका दोस्त है लाइक मारिए, बर्थडे है विश कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक चीज़ देखिए कि अभी भारत में क्या चल रहा है। आप लोग सुने थे कि लव जिहाद चल रहा है, तो सोचे कि ना ठीक है, नहीं, अभी एक नया चीज़ चल रहा है कि अगर मान लीजिए ये कॉलेज है, इसमें लड़की मुसलमान, एक लड़की मुसलमान लड़की है, तो वो क्या कर रही है कि हिंदू के लड़की को दोस्ती अपने भाई दोस्त, भाई के दोस्त, इस सब से, ये एक जिहाद नया चला। इस पे ध्यान, एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए क्या हो रहा है, पेपर को पढ़िए, गाँव में क्या हुआ ये नहीं, नहर पे कौन कौन बैठा है रे ये नहीं, पहले पढ़िए पेपर को। आपके मीडिया, आपके तो मोबाइल पे भी पेपर आ जाए, खरीदने की क्या ज़रूरत है? और उसमें बैठ के अच्छा से राय करके कोई रास्ता निकालिए शांति मुद्दों से। बस यही हमको कहना है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।